बहुत फेमस है यार, आगे जाके कौन है वाला, सुदामा भी बैठा हुआ है, काफी टाइम से बैठा है, जब मौसम ठंडा आना शुरू हो जाता है वो सुदामा बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन हम उसके पास चाय नहीं पियेंगे क्योंकि वो सस्ता चाय पिलाता है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू गैरी अमृतसर। यार बहुत ही टाइम बाद अब ब्लॉग बनाने लगा हूँ और मौसम में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, लेकिन फ्लेक्स कर रहा तो चलो अब चलते हैं फटाफट क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, और फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं बाकी सब दोस्तों से और क्लासेस लेते हैं क्योंकि फाइनल ईयर की क्लासेज हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, कोई भी मिस नहीं करना चाहता। मूड कोट है, इंपॉर्टेंट है, IT क्लास है, इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट है, तो अब लेते हैं जाके। मेट्रो से जाएँ तो बहुत घुमा के मेट्रो लाती है, इसलिए आज सोचा कि अपने व्हीकल से जाएगा क्योंकि अपने व्हीकल से काफ़ी इजीली हम पहुंच जाते हैं, शॉर्टकट है, तो चलते हैं और जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this दिल्ली में ना सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, जाम जी जाम जाम, तो बस जाम नहीं जाम 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 ही जाम है, बस लाइटों पे खड़ी रहते हैं और कुछ नहीं। फाइनली वही घूमते घूमाते हम लॉ फैकल्टी पहुँच ही गए, पीछे लॉ फैकल्टी अभिषेक क्लास में है, बस उसी से वहीं जाके मिलते हैं। 335 IT की पहली क्लास है। क्यों, क्या बात है? आज मैं कॉलेज आया हूँ दोस्तों और अभिषेक बहुत दुखी है। क्या बात होगी, IT क्लास हमारी जस्ट ओवर हुई और इसकी शक्ल देखो, रूप ही किस लिए। अभी जी की अटेंडेंस हो रही है, बोल दी अटेंडेंस, बोल दी बोलती ना, हमारे दोनों के रोल नंबर्स बिल्कुल पास पास के, इसका 535, उससे नेक्स्ट ही बिल्कुल मेरा 540। कभी कभी क्या होता है ना, ये जब यस सर नहीं बोलता, मैं भी यस सर नहीं बोलता, किसने नहीं बोला, दोनों की रह जाती, लेकिन ऐसा कम नहीं हुआ, बाद में लगवा लें, बाद में तो लगाते हैं, बाद में लगवा लें, इसीलिए मैं इसे पहले कह देता हूँ टेंटिव रहे क्योंकि इससे अगला ही बिल्कुल मेरा आने वाला है नाम, है ना। अब देख लो खुश होगा, स्माइल आ गई, लाल चेहरा, बॉडी बिल्डर से नहीं लगते हम, बाउंसर से लगते हैं। तो भाई क्लास ओवर हो चुकी है, वीलॉग पहले से क्या है, वीलॉग कहना, ब्लॉग कहना सही, वीलॉग नहीं होता वो, वीलॉग ही होता है, वीलॉग का मतलब वो नहीं टीवी पे आते हैं बीट, हाँ बीट से नहीं होता ठीक है, ब्लॉग उसको कहते हैं, पर वो उसको ओरिजिनली वीलॉग ही बोलते हैं, वीलॉग ये साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली की लड़की है, वीलॉग कहाँ जा रहे हो, इसको कैसे छोड़ दो भाई, पीयूष पीयूष ओके भाई, कांग्रेचुलेशंस भाई, आईफोन के लिए एक्सपीरियंस सेल थी ना, इसने आईफोन लिया उसमें बहुत अच्छा किया होगा, सब सबको लेना चाहिए, आईफोन 14 लिया उसके लिए मुबारक है बहुत बहुत ज़्यादा, कल इसी से फोटोज अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे जो मैंने अपलोड की, इसी के फोन से लिए वो आ गया, जुपिटर 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 अपने पास। और भाई क्लासेस हमारी पहले फिफ्थ सेमेस्टर में अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक मूड कोट है, इंडस्ट्रियल लॉ है, IT लॉ है, मतलब दो हमने ऑप्शनल चूज किए थे, वो IT लॉ था और दूसरा ऑप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ इंफॉर्मेशन किया था। अभी मूड कोट जो है वो उसकी थ्योरी तो कोई होता नहीं, मूड कोट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें
क्लाइंट के इंटरव्यू के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं और ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, मूड कोड के बेसिस पे आपको नंबर्स दिए जाते हैं, टीचर आपको उसके बेसिस पे जज करता है। और मतलब थ्योरी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो थ्योरी पेपर कोई नहीं होगा उसमें। और फिलहाल हमने आईटी क्लास ले ली जो कि बहुत ज़बरदस्त आईटी है। आईटी में हमने साइबर क्राइम्स पढ़े, हमने आईटी एक्ट 2000 पढ़ा और हमने बाकी सब चीज़ें पढ़ी। दूसरी हमारी क्लास इंडस्ट्रियल लॉ थी, इंडस्ट्रियल लॉ में भी हो गया जो भी पढ़ना था पढ़ लिया। तो अब हमने सोचा कि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक एक कप चाय हो जाए, समोसा प्लस चाय, चाय भी तो है। और पता दिल्ली में ना जैसे नए नए यार व्हीकल आया, नए नए हम स्कूटी चलाने लगे हैं दिल्ली में, मोबाइल होल्डर पहले ही लगवा लिया था क्योंकि इसके बिना दिल्ली का एक 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 भी रास्ता मुझे पता नहीं था बाय रोड, क्योंकि मेट्रो से ट्रैवल कर रहे थे इसलिए पहले ही लगवा लिया। चलो चलते हैं भाई, लॉ फैकल्टी को बाय करते हैं, बाय बाय लॉ फैकल्टी, आएंगे कल आएंगे, बाय। तू आगे देख, आगे देख चला। ये हमारी लॉ फैकल्टी की नीचे पार्किंग है जहाँ हमने नहीं लगाई थी, तो आगे लगाते हैं, हम तो बड़े लोग हैं कहीं लगा दें। इस फैकल्टी से जो है हम लोग अब सात संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए इसके साथ फेरे करेंगे। ओए साथ मेरे शपथ फेरे। हमारे पीछे यहाँ पे ना मिश्रा जी की चाय है जो हेल्थ डिपार्टमेंट है डीयू का, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं वो, मिश्रा जी की चाय है वो, बहुत अच्छा है। बाय द वे आज वैसे वो भी हैं वो जो बहुत फेमस है यार, आगे जाके कौन है चाय वाला, सुदामा भी बैठा हुआ है, काफी टाइम से बैठ रहा है, जब मौसम ठंडा आना शुरू हो जाता है वो सुदामा बैठना शुरू हो जाता है, लेकिन हम उसके पास चाय नहीं पियेंगे क्योंकि वो सस्ता चाय पिलाता है। तो महंगी कहाँ से पीनी है, महंगी यार यहाँ बगल में 10 रुपए, वो तो 15 की देता है, इसीलिए तो उसका नहीं पीना है। ये पीछे मेरे जीडी भी है और ये सारा मुखर्जी नगर का हब, जितना स्टूडेंट है मुखर्जी नगर का वो यही रहता है, और ये स्टूडेंट ज़्यादातर यूपीएससी वाली है, वैसे यूपीएससी एसएससी ज़्यादा, एसएससी ज़्यादा, यूपीएससी भी ज़्यादा, यूपीएससी वाले हिंदी, यूपीएससी के हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा इधर हैं और इंग्लिश मीडियम वाले करोल बाग ज़्यादा है। हाँ नहीं नहीं ये कुछ और है, अच्छा गाजा पट्टी पर है भाई, बड़ा फेमस था एक मुखर्जी नगर में समोसे वाला अग्रवाल, वहाँ से हमने एक समोसा खाया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा, कमेंट्स करके ज़रूर आप बताना कि जो फेमस जगह होती है, कस्टमर नहीं बिगाड़ रहा है, नहीं नहीं कस्टमर नहीं बिगाड़ा, लेकिन अभिषेक ऐसा क्यों होता है कि यार जो फेमस जगह होती है वो हमेशा उतनी अच्छी नहीं निकलती, उससे अच्छी तो ये चाट और ये, शायद उसका रीज़न ये हो सकता है कि हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं और वो उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती और नीचे नहीं निकला, और शायद शायद यही एक रीज़न है कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं उस चीज़ से जिसके कारण हमारी एक्सपेक्टेशन मीट होती नहीं, तो उस कारण हमें बुरा लगता, लेकिन वो सब चीज़ें साइड में हट के हमारे बिल्कुल सामने है सेंस। हाँ घर से अभिषेक खाना लेके आया भाई, आलू की सब्जी या रोटी है, हमारे बिल्कुल सामने सेंट स्टीफन है, सेंट स्टीफन के सामने बैठ के हम खाएंगे, यादें बनाएंगे कि खाना खा सकते हैं। हाँ चलो ये तो ठीक है, हम खाना खा लें फिर आपको मिलते हैं जल्दी। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. तो भाई जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर है वो भी वैसे थोड़ा ही रह गया क्योंकि दिसंबर शुरू भी नहीं हुआ यार, नहीं पर यार अब लेट भी तो शुरू हुआ ना यार, हाँ भाई तो अभी लेट शुरू हुआ ना यार, अक्टूबर मिड में आ चुके हैं, नवंबर दिसंबर दो ही इतना ही हो रहा है मई जून से, हाँ चलो काउंट हो रहा है, लेकिन अपनी क्लासेस तो बहुत कम ही लगी ना यार। और फिफ्थ सेमेस्टर में क्या है, एक मिनट ऑटो को जाने दो, फिफ्थ सेमेस्टर में क्या इंटर्नशिप करनी होती है भाई, एक महीने की डायरी सर्टिफिकेट के साथ साथ डायरी मेंटेन करनी होती है कि आपने करा लिया है अपना इंटर्नशिप। हाँ हम कर चुके हैं, करा लिया है, हम जाएंगे फुट जाएंगे भाई। तो और क्या जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हमारे जगह किसी को भेज के करा लिया है सर्टिफिकेट भाई। जोक्स अपार्ट, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये सिर्फ जोक था, अभिषेक ने जो भी बोला ये सीरियस मत ले लेना, सब मजाक है भाई, ये सब मजाक है, कोई सीरियस ना ले लेना, किसी काम नहीं कराते, बहुत करीबी का कराता हूँ, करीबी मेरा एक ही है ये। तो और जो बाकी करीबी है, मैं किसी का नहीं कराता भाई, कोई नहीं है इस दुनिया में। ये तो व्लॉग में है सर, व्लॉग, ये तो व्लॉग के लिए कह रहा है बस, व्लॉग के लिए नहीं, हाँ व्लॉग, व्लॉग के लिए कह रहा है। चलो बढ़िया भाई, हाँ और आज सच में ठंड लग रही है भाई,
अभिषेक तो फिर हाँ मैं गया यार, अब देख यार सीधी सी बात, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, गर्मियों के कपड़े पहने नहीं जाने, तो मैं क्या फिर अभी कोटा पूरा कर लिया जाए गर्मियों के कपड़े का। पर अभिषेक फुल स्लीव डाल गया तब भी से ठंड लग रही, मतलब मेरा कहने मतलब तब भी तो ठंड लग रही है यार, मैं तो हाफ स्लीव है तब भी नहीं लग रहा, स्मार्ट तो एकदम साइड से इस साइड से इतना स्मार्ट है हमारे बिल्कुल पीछे हिंदू कॉलेज, अभी सेंट स्टीफन के सामने हिंदू। चलो भाई अभिषेक जी क्या हुआ, मजा आए वाले पे एक बारी भीड़ देख लो जरा, सिर्फ चाय के लिए इतनी। मैं आज यार गैरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि ये चाय लाकर इतना दूर से मुझे दिया। ये ऐसे फालतू बात है, लेकिन मेन पॉइंट ये था कि शायद ऑलमोस्ट लिटरली साल के बाद, साल से ज्यादा कम से कम 3 महीने जब हम नए नए आए थे तो हम यही चाय नीचे बैठ के पीते थे, मैं तो कभी नया नहीं आया भाई, मैं बहुत पुराने में 20 साल पहले उसके पापा पिलाते थे सुदामा में, चाय पी रहा हूँ। अच्छा पहले नहीं पहले यहाँ मैं आता था और तुम्हारे बड़े भाई तुमको मजाक लग रहा है, तो ये पीछे भाई सुदामा के चाय पीने आए थे और पेपर कप में कुल्हड़ में भी देते हैं, लेकिन हमने पेपर कप में महंगा पड़ता है इसीलिए मैं पेपर कप पीता हूँ, बहुत पैसा है। पेपर कप में 5 रुपये सस्ती है, कुल्हड़ में 5 रुपये महंगी है, हमने 5 रुपये बचा के मतलब 10 रुपये बताया ना, 5-5 करके। मैंने मेरा पैसा पूरा दिया करो, उसका घर भला हो, मैं भाई सस्ता नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। चल मैं तेरा 5 रुपये उसे दे आऊँगा, मैंने अपने 5 रुपये बचा के चाय कप में पिए, कुल्हड़ में नहीं पी, ठीक है अभिषेक के मैं पूरे 15 रुपए की चाय मैं 20 रुपए में दूंगा, 5 रुपए सुदामा। I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Bhai jab bhi chalao safety sabse important hai, ye kehna zaruri hai. Itna der tu pura bina helmet ka chalaya hai, main thodi drive kar raha tha, tu kar raha tha. ये दिखाने के लिए है गाइस, ये दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए भाई सच में लगा। हाँ ठीक है, दो दांत होते हैं, खाने के और एक दिखाने के, भाई ये सीरियस वाला। चलो ओके लेट्स गो, काफी दिन बहुत टाइम हो गया यार, इनफैक्ट जब शुरू में तो मिले थे तब व्लॉग बनाया था, नहीं तो उसके बाद तो पुलकित तो कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं। सेक्सी लग रही थी यार, हम लॉयर्स को ऐसे नहीं रखनी चाहिए, नहीं ये सही है, अरे यही तो डेकोरम है, ऐसे नहीं रखना चाहिए, अरे ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी, हां ये इस समय ऑफ ड्यूटी है ना, ऑफ ड्यूटी जैसे मर्जी रख सकते हैं, हमारे लिए ड्रेस भी यही है, फैशन कपड़ा भी यही है, सब कुछ यही है हमारा, इसी से फैशन करते हैं, इसी से कोर्ट जाते हैं और इसी से बाहर जाते हैं, बाहर नहीं जाते ब्रो, बाहर नहीं जाते, दोनों साइड बैलेंस बन जाता है, बस बढ़िया जी। तो भैया फाइनली शाम का टाइम हो गया और जाने का समय भी आ चुका है, अभिषेक आ जाए और हेलमेट क्या ब्रो क्या ब्रो तो कह रहा हूँ भी शाम का टाइम हो चुका है, बहुत शाम हो गई है, कितना टाइम हो गया भाई घड़ी का चलो ये मुझे यहाँ दिखते हैं, ठीक है मोहब्बत भाई, जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि शाम का टाइम भी हो चुका है, आज थोड़ी सी क्लासेस थोड़ी सी जल्दी फ्री होगी तो अब बस निकलेंगे थोड़े टाइम में, मैं अभिषेक को मेट्रो ड्रॉप कर दूंगा और इसके बाद ये मेट्रो में मैं निकल जाऊंगा आगे,
और बाकी कल मिलते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं नहीं ब्लॉग तो बस यही एंड कर देंगे। अच्छा यार, तो अगले वाला ब्लॉग कल से फिर शुरू करेंगे। हाँ वो कल वाला ब्लॉग जो है वो कल शुरू करेंगे। अगर आपको पसंद आया ये ब्लॉग किसी भी रीज़न के कारण तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरियो मनचरिया ऐसे और बहुत सारे ब्लॉग्स देखने के लिए। अगर आपको हल्के से भी इंफॉर्मेटिव या मज़ेदार या एंटरटेनिंग कुछ भी लग रहे हैं तो इंटरटेन नहीं भाई हम लोग ज्ञान की बातें करते हैं। अगर आपको नॉलेजेबल ये चीज़ें लग रही हैं तो इधर सब्सक्राइब बटन और लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों को फैमिली को फैमिली रिश्तेदारों को सबको सबको और नीचे कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन आपके व्यूज़ के लिए हर चीज़ के लिए। तो बहुत अच्छा है, कितना प्यार से बोलते हैं फिर भी लोग नहीं समझते क्या? लोग तब भी सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं 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 कर रहे हो भाई, कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। मैं इसी में ग्रेटफुल हूँ, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज़्यादा। कोई करे ना करे, अकेला खड़ा हो यार 10 साल, हम खुद ही देख लेते हैं यार, कोई और देख रहे नहीं, खुद ही देख के मज़ा आ जाता है। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, खुद ही देख लेते हैं। तो चलो बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय। और भी बहुत सारी वीडियोज हैं, आए और भी बहुत सारी वीडियोज वो देख सकते हैं आप चैनल पर जाके, बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हैं। बाय। क्या करके फोन चलो तो तब बोलूँगा और फिर बात क्लियर नहीं। अच्छा अब हम लोग आगे चल रहे। मैं ब्लॉग में पहले ही कह रहा था ना कि मैंने आज स्टैंड लगवाया, देखो क्या हालत है, नीचे से गिर गया, हाईवे के ऊपर गिरा तो मैंने पकड़ना नहीं समझा, ना ही मुझे मिला, ये देखो क्या हुआ। शुक्र है फोन नहीं था इसमें।